हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है सीम सिंघल और आज मैं आपको मेरी और आई थिंक बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा फेवरेट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जो कि है RSI डाइवर्जेंस। तो RSI डाइवर्जेंस आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज टू ट्रेड, बट मैं इसमें आपको एक ये भी चीज़ बताऊंगा कि कैसे मैं इसको ट्रेड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार मैंने क्या देखा कि जब लोग RSI डाइवर्जेंस ट्रेड करते हैं वो जल्दी एंट्री ले लेते हैं और कंफर्मेशन का वेट नहीं करते। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली RSI को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हम उसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे बोथ फॉर बाइंग एंड सेलिंग। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि RSI डाइवर्जेंस होता क्या है। RSI डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके चार्ट में हायर हाई बन रहे हैं, मतलब जो आपका चार्ट है वो ऊपर जा रहा है, जो आपका स्टॉक है ऊपर जा रहा है, बट एट द सेम टाइम जो हमारा RSI है वो लोअर हाईज बना रहा है, मतलब हाई नहीं टूटा, पुरानी पीक का हाई ज्यादा बड़ा है करंट पीक से, तो हम इसको RSI डाइवर्जेंस बोलते हैं। मतलब स्टॉक तो ऊपर जा रहा है बट RSI उसके साथ नहीं जा रहा। और काफी बार देखा गया है कि यहां पर हमारे को एक हाई या मतलब टॉप मिल सकता है और यहां से हम सेलिंग कर सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको बोला, काफी बार लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उनको डाइवर्जेंस मिलता है वो ट्रेड ले लेते हैं, बट हमारे को यहां पर एक्चुअली वेट करना चाहिए RSI का, और RSI जब 50 के नीचे हो तब सेलिंग ट्रेड लेना चाहिए। मतलब हम जब एंट्री लेंगे हम RSI की लाइन बना लेंगे 50 वाली लाइन, और जैसे ही प्राइस उसके नीचे आएगा तब हम सेलिंग ट्रेड ले लेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बाइंग का एग्जांपल लेते हैं तो मान लीजिए आपका जो स्टॉक है वो लोअर लो बना रहा है, बट एट द सेम टाइम जो आपका RSI है वो लोअर लो बना के नहीं हायर लो बना रहा है, तो अगेन मेरा अलर्ट शुरू हो गया बट मैं अभी ट्रेड नहीं लूंगा। आई विल वेट कि जैसे ही RSI 50 के ऊपर जाएगा तब मैं आराम से इसमें ट्रेड ले सकता हूँ, और जैसे मैंने आपको बताया एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी था कि मैं ट्रेड बना सकता हूँ। तो ये देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि कैसे हम RSI डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी ट्रेड करते हैं ऑन दी स्टॉक्स। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ दिस RSI डाइवर्जेंस। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको चार्ट्स पे कैसे लगाऊंगा। सो मैं यहाँ पर इंडिकेटर्स को क्लिक कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैंने RSI 14 जो डिफॉल्ट होता है वो लगा दिया है। बट बहुत इंपॉर्टेंट है बताना कि यहाँ पर जो मैंने अपना ओवरबॉट जोन बनाया वो 50 का बनाया, एंड एक तरह से मेरे को मिडिल लाइन चाहिए जो कि 50 लेवल पर है। मैं यहाँ पर 70 या 30 यूज नहीं करता हूं, मैं 50 को यूज करता हूं। और जब मैं इसको ओके कर दूंगा आप इस तरह का देखेंगे कि आपका ऊपर चार्ट देखेगा और नीचे आपका RSI बन जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग को ट्रेड पहले तो RSI डाइवर्जेंस ढूंढना है, बट डाइवर्जेंस आने के बाद हमारे को ये भी वेट करना है कि जब RSI 50 लाइन को तोड़ देगा तब हम एंट्री लेंगे। और जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सक्सेस की। सो इन दिस एग्जांपल मैं आपको स्टार पेपर मिल्स का एग्जांपल दिखा रहा हूं। यहां पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, वीकली एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, और अगर यहां पर आपको डाइवर्जेंस दिखता है तो बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलता है। भाई अगर आप देखें यहां पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप नोटिस करेंगे तो मैंने दो लोस को क्लिक किया है, जो आपका स्टार पेपर मिल्स है वो क्लियरली लोअर लो बना रहा था, मतलब मार्केट नीचे गिर रहा था। बट ड्यूरिंग द सेम टाइम अगर मैं यहां पर RSI को भी टच कर देता हूं तो आप देखेंगे कि RSI ऊपर जा रहे थे, तो लोज आपके यहां है। सो दीज आर द टू लोज, बट ड्यूरिंग द सेम टाइम जो आपके हाई है, मतलब सॉरी जो आपके RSI है वो ऊपर जा रहा है। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंस। बट अब हमारे को ट्रेड कब लेना है, जैसे मैंने आपको कहा कि काफी बार लोग क्या करते हैं कि यहीं पे एंट्री ले लेते हैं, बट दिस इज अ वेरी क्विक एंट्री, और काफी बार आप नोटिस करोगे कि अगर आप यहां पर एंट्री लोगे तो एक आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां पर एंट्री ना लेके मैं क्या करूंगा कि आई विल वेट फॉर द RSI टू ब्रेक द 50 लाइन। तो इसको मैं थोड़ा अगर बड़ा कर दूं, आप नोटिस करेंगे कि यहां पर कहीं इसने 50 लाइन को ब्रेक किया है और मैं यहां पर एंट्री लूंगा। सो दिस विल बी माई एंट्री। हो सकता है थोड़ी लेट एंट्री हो और आपको लग रहा हो कि मैंने यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट मिस कर दिया, बट इससे आपको एक कंफर्मेटरी एंट्री मिल रही है, बिकॉज हमारे को पता है कि अगर प्राइस RSI 50 के ऊपर है तो एक बुलिश ट्रेंड में है। तो अब हम यहां पर एंट्री लेंगे, तो समवेयर हियर एंड आई कैन पुट द स्टॉप लॉस एज द लो। सो जो मेरा प्रीवियस लो बना है वो मैं अपना स्टॉप लॉस बना सकता हूँ, और उसके बाद मैं आराम से इसको ट्रेड कर सकता हूँ। आप देखेंगे एक अच्छा ट्रेड हमें मिला है एंड मार्केट कैप गोइंग अप। तो अगर हम इस दिन का एग्जाम्पल देखें, हमारी एंट्री करीब करीब 100 पे आ रही थी और ये प्राइस 200 के भी ऊपर चला गया, ये प्राइस 200 के भी ऊपर चला गया, मतलब कुछ ही महीनों में, मे बी इन अबाउट फ्यू मंथ्स एक अच्छी रैली मिल गई हमारे को, बिकॉज इट वॉज ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। सो दिस इज वन एग्जाम्पल, लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर मैं आपको ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लगा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी RSI लगाया हुआ है विद द 50 लाइन इन द मिडल। अगेन हमें देखना है कि कब हमारे को डाइवर्जेंस मिल रहा है एंड वेन वी आर गोइंग टू टेक द एंट्री। और इस बार मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ। तो ये पहले मैं आपको लोअर लो बना के देखता हूँ कि कहाँ हमारा लोअर लो आ रहा है।
on the charts, and it's a very clean lower low. अगर आप देखें तो जो दो हमारे स्विंग थे, जो हमारे दो स्विंग थे, मैंने उनको एक लाइन से बना दिया और आपको देखेंगे कि लोअर लो बन रहा है. एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम अगर मैं RSI को क्लिक करता हूं तो RSI क्लियरली हायर लोज बना रहा है, RSI ऊपर जा रहा है. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड डाइवर्जेंस. हम देख सकते हैं कि यहां पर जो स्टॉक है वो नीचे गिरा है बट RSI ऊपर गया है, मतलब हमारे को अगेन एक बुलिश एंट्री मिलने के चांस हो सकते हैं. बट हम कब लेंगे, हम वेट करेंगे कैंडल का. जैसे ही कैंडल RSI 50 के ऊपर चले आता है, मतलब करीब इस कैंडल पे समवेयर इन द मिडल हमारी यहाँ पे कहीं एंट्री आ सकती है अराउंड 450 लेवल्स. एंड अगेन आप देखेंगे कि एंट्री करने के बाद स्टॉक वेंट अप लाइक अ रॉकेट, राइट. अगर आप देखें 450 से ये ऑलमोस्ट 1500 या 1400 के लेवल पे पहुंच गया, ऑलमोस्ट अ 3 times प्रॉफिट जो इसने हमें कुछ ही महीनों में दे दिया, राइट. ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि हम बड़ा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं. जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज करेंगे उतना आपके प्रॉफिट, जो अच्छा प्रॉफिट आएगा वो मिल सकता है. इट्स लाइक अ मल्टीबैगर एंट्री. तो ये तो हमारे एग्जांपल हो गए ऑन द बाइंग साइड. आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं ऑन द सेलिंग साइड आल्सो. मतलब हम यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं. ऑब्वियसली हम शॉर्ट सेल क्या कहते हैं स्टॉक्स को नहीं कर सकते, आपको उसके लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा. बट इट विल गिव यू एन आइडिया कि कैसे हम ट्रेड एंट्री लेंगे. तो यहां पर मैं आपको ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज का वीकली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ. लेट अस सी कि हमारी यहाँ पर एंट्री कब आ रही है. इस केस में अब हमारे को चार्ट्स पे हायर हाई ढूंढना है बट RSI में लोअर हाई बनना चाहिए. सो इफ यू सी हियर You can see clearly जो इसके highs बने हैं, that was giving me a higher high formation. And during the same time, अगर आप RSI को notice करेंगे, तो RSI clearly नीचे की तरफ जा रहा था. But again, अभी हमारे को entry नहीं लेनी है. I will wait for my entry. और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि क्यों मैं RSI की 50 के नीचे का wait करता हूँ. So I will enter at this point of time. मतलब यहाँ पर कहीं मेरी selling entry आएगी. एंड उसके बाद देखेंगे कि काफी अच्छे से मार्केट नीचे गया है और हमारे को प्रॉफिट दे देता. अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पर आपको RSI डाइवर्जेंस तो मिलेगा बट हमारी एंट्री नहीं आएगी इन द सेम स्टॉक. लेट मी क्लीन दिस. और अब हम देखें अगर तो इन द सेम स्टॉक ड्यूरिंग दिस टाइम, अगर हम यहां से लेकर यहां पे बनाते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, आप देखेंगे कि फिर से जो RSI है, सॉरी जो स्टॉक है वो ऊपर गया है. सो स्टॉक इज क्लियरली गॉन अप फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम आप देखेंगे RSI में डाइवर्जेंस भी आया है. लेट मी शो यू. अगर हम उसी पॉइंट पे हम लेवल बनाएं तो आप देखेंगे कि RSI में डाइवर्जेंस भी आया है. RSI नीचे भी गिरा है बिकॉज RSI इस लेवल से गिर के यहां पे गिर गया. बट क्या मेरी एंट्री आ पाई? मेरी एंट्री नहीं आ पाई बिकॉज RSI 50 के नीचे गया ही नहीं, उसने बेयरिश ट्रेंड ही नहीं दिखाया और इसलिए मैं एंट्री नहीं लूंगा. और जैसे मैंने आपको बताया काफी लोग यहां पर जल्दीबाजी में एंट्री ले लेते, तो अगर मैं यहां पर एंट्री लेता तो मेरा आराम से स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता बिकॉज अभी भी जो ट्रेंड था मार्केट का वो ऊपर चलता चला गया और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाता. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एक ट्रिगर तो पता चल रहा है बट हम लोग RSI का वेट कर रहे हैं कि वो 50 के ऊपर नीचे आ रहा है तभी हम एंट्री ले रहे हैं. लाइक इन दिस एग्जांपल, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ GE पावर इंडिया. सो अगेन आई हैव ऑलरेडी एडेड द RSI. लेट्स सी कि कहां पर हमारे को इसका ट्रेड मिल रहा है. सो इफ यू नोटिस हेयर जो इसने हाईज बनाया था, जो उसने करीब 200 रुपए का हाई बनाया था, उस समय क्लियरली जो स्टॉक है वो बहुत तेजी से अप ट्रेंड में जा रहा था. बट ड्यूरिंग द सेम टाइम आप देखेंगे जो आपका RSI था वो ऑलमोस्ट फ्लैट था, थोड़ा नीचे गिर रहा था. तो अगेन मेरी एंट्री कब होगी? आई विल वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज बिलो द RSI 50. मतलब जब ये RSI अपने 50 के नीचे आता है जो कि यहाँ पे आ रहा है, सो मैं यहाँ पर कहीं सेल करूंगा. आई विल टेक द एंट्री हेयर. I will put the stop loss as a swing. जो पुराना swing रहा है मेरा, तो ये मेरा stop loss बन जाएगा. और आप देखेंगे एक अच्छी trade मिला है हमारे को. उसके बाद कुछ ही दिनों में मेरे को एक अच्छा gap down मिल जाता है और मेरे को अच्छा profit हमारे को exit करने का मिल जाता है. So ये कुछ example हो गए. एक example मैं आपको और दिखाने वाला हूँ. ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, हो सकता है क्योंकि इसमें मेरे को ट्रेड कुछ ही दिनों में आ जाए. तो ये एकदम लाइव एग्जाम्पल है. आई एम शोइंग रसल इंडिया ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि तो अभी अभी एक RSI डाइवर्जेंस तो बन रहा है. So if you notice here, the stock is clearly making a higher high. So stock is clearly making a higher high. And at the same time, जो आपका RSI है वो नीचे भी गिर रहा है. So मेरी दोनों condition तो meet हो चुकी हैं. But अब मैं wait कर रहा हूँ कि RSI जैसे ही अपने 50 level को तोड़ता है. So RSI जैसे ही अपने इस 50 level को तोड़ता है, I can go for a selling trade. So maybe here,
मे बी हियर मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, करीब हो सकता है कि 490 का लेवल हो विद दिस एज माई स्टॉप लॉस एंड एटलीस्ट 1:2 या 1:3 के टारगेट से मैं इसको ट्रेड कर पाऊंगा। तो ये मैं आपको लास्ट एग्जाम्पल आया था बिकॉज ये मेरे को ट्रेड दिखा था जो प्रॉब्ली एंट्री मुझे देते विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज। तो आई होप आपको आपकी स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी और आपने देखा कि कैसे हम RSI डाइवर्जेंस को ट्रेड कर सकते हैं और थोड़ा कंफर्मेशन एंट्री के बाद अगर हम लेते हैं तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी बढ़ जाती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है एज यूजुअल प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब ताकि आपको इस तरह की और भी अच्छी स्ट्रैटेजीज आगे भी मिलती रहें। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.